नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फटाफट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी की टक्कर, कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियां क्षतिग्रस्त, राहत और बचाव कार्य जारी, 8 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल हादसे पर मुआवजे का किया ऐलान, पीड़ितों को बड़ी हुई अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी, मृतकों के परिजन को 10 लाख रुपए, जिन्हें गंभीर चोट आई उन्हें 2.5 लाख और जिन्हें मामूली चोट आई उन्हें 50,000 रुपए की राशि सौंपी जाएगी। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीजेपी की तैयारी, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बनाए गए झारखंड के प्रभारी, हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के सह प्रभारी। भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव महाराष्ट्र के प्रभारी और सह प्रभारी, हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव कुमार देव को जिम्मेदारी, जी किशन रेड्डी बनाए गए जम्मू कश्मीर के प्रभारी। महाराष्ट्र में ईवीएम पर सियासत तेज, उद्धव गुट की शिवसेना हाईकोर्ट का खटखटाएगी दरवाजा, चुनाव आयोग की तरफ से बयान, ईवीएम पर उठ रहे सवाल, सब निराधार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ईवीएम के मुद्दे पर किया ट्वीट, सोशल मीडिया पर लिखा, तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर यही समस्या बन जाए तो इनका उपयोग बंद होना चाहिए। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, जहां महाविकास अघाड़ी की जीत हो गई वहां ईवीएम ठीक हो गई, और जहां उनकी हार हो गई वहां ईवीएम पर सवाल खड़े होना कौन सी हरकत है। राहुल गांधी खुद को 2 जगह चुनाव जीते हैं, अगर वो ईवीएम पर सवाल कर रहे हैं तो वो जहां से जीते वो सीटें उन्हें छोड़नी चाहिए। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने विपक्ष पर कसा तंज, बोले अगर ईवीएम हैक होती तो उनके उम्मीदवार जीत ही नहीं पाते, विपक्ष को हार का बस बहाना चाहिए और कुछ नहीं। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को किया खारिज, कहा कि महाविकास अघाड़ी एमवीए शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी को बदनाम करने के लिए अभियान चला रही है। बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के मौलश्री स्थित निवास कार्यालय जाएंगे, जहां निवास कार्यालय पहुंचकर बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल विधानसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा देने जाएंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस की ईवीएम वाले मुद्दे पर किया पलटवार, बोले चिट भी मेरी पट भी मेरी, कांग्रेस जहां जीती वहां ईवीएम सही और जहां हारी वहां ईवीएम हैक हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में प्रेरणा स्थल का किया उद्घाटन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत अन्य नेता रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के बाद कहा, प्रेरणा स्थल पर आकर प्रेरणा मिली है, यह ऐसा स्थान है जो हर भारतीय के लिए तीर्थस्थल से कम नहीं होगा। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया है, मुझे लगता है कि प्रेरणा स्थल आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। जम्मू पहुंची एनआईए की टीम, बांदीपुरा में एनकाउंटर, एक आतंकवादी ढेर, सुरक्षा का जायजा लेंगे सीडीएस। दिल्ली में बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आप सरकार पर साधा निशाना, कहा हर साल ये जल संकट होता है, आतिशी किसे धोखा दे रही हैं, आतिशी श्वेत पत्र लेकर आए कि 10 साल में कहां कहां पाइप बदला गया, ये काम चोर लोग हैं, इनकी ना तो काम करने की नीति है ना ही नीति। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन सचदेवा ने आप नेता आतिशी के बयान पर किया फलटवार, कहा 10 साल से इनकी सरकार है, आतिशी बता दें अगर उन्होंने किसी पर कोई कार्रवाई की हो वे बताएं कि पिछले 10 सालों में इन्होंने क्या काम किया। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी के बयान पर कहा, यह आपके नेताओं का षड्यंत्र है, उन्होंने पाइप तोड़े हैं ताकि टैंकर माफिया को फ्री में पानी मिल सके, दिल्ली की जनता ने प्रदर्शन किया, हम उसमें शामिल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे, एम्स ऋषिकेश में भर्ती अपनी माँ से की मुलाकात, माँ से मिलकर उनके स्वास्थ्य का जायजा लिया, जाना हाल, साथ ही रुद्रप्रयाग हादसे के घायलों से भी मुलाकात। पटना के बाढ़ में उमानाथ घाट से श्रद्धालु को लेकर दियारा जा रही नाव गंगा नदी में पलटी, 4 लोगों की डूबने से मौत।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, भोजपुर जिले के शिवपुर गंगा घाट पर 4 बच्चों के डूबने से हुई मृत्यु दुखद, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए दिया जाएगा मुआवजा। मोदी सरकार के डीप फेक पर लगाम कसने की तैयारी, आगामी सत्र में डिजिटल इंडिया बिल करेगी पेश। 24 जून से शुरू होगा लोकसभा का 18वां सत्र, 3 जुलाई को होगा समाप्त, 22 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता विप्लव कुमार देव ने कहा, 7 जिलों में काफी हिंसा हुई, हम पार्टी कार्यालय में जाएंगे, उसके बाद स्थानीय कार्यकर्ता के साथ पीड़ितों से मिलेंगे, हम रिपोर्ट जेपी नड्डा को देंगे। पश्चिम बंगाल में बनाई गई बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, विधायक अग्निमित्रा पॉल, पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद और विप्लव कुमार देव शामिल। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव का वीडियो हुआ वायरल, वीडियो जम खंभालिया से है। सिक्किम के मंगन जिले को अन्य जिलों से छोड़ने वाली सड़क भूस्खलन के बाद रही, संपर्क भी टूटा, राहत और बचाव कार्य जारी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में हुआ जलभराव, तेज बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। कर्नाटक के पेट्रोल डीजल की कीमतों में के विरोध में बीजेपी विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन। आज पूरे देश में मनाया जा रहा बकरीद का त्यौहार, देश भर की मस्जिदों में ईद उल अजहा की पढ़ी जा रही नमाज। बिहार में बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, मैं पूरे देश के लोगों को ईद की शुभकामनाएं देता हूं, लोगों से अपील है कि त्यौहार शांति भाईचारे के साथ मनाएं, सबके जीवन में खुशियां, देश तरक्की करे और यही उम्मीद करते हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ईद के मौके पर कहा, हमारा एक ऐसा मुल्क है जहां सभी धर्म मजहब को मानने वाले रहते हैं और सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, यहां धर्म को मानने वाले और ना मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम सब मिलकर सभी त्यौहार मनाते हैं और इसी को अनेकता में एकता कहा जाता है। ईद के मौके पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ईदगाह मस्जिद पर नमाज अदा करने पहुंचे, बारिश होने के बावजूद भी हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज अदा की, डीसीपी शालिनी दीक्षित ने सभी को बकरीद की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के भिलाई में जामा मस्जिद में हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को गले लगाकर दी ईद की बधाई, बच्चों से लेकर बुजुर्ग जामा मस्जिद के ईदगाह में नमाज के लिए हुए शामिल। रायसेन में आज अकीदत के साथ ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया गया, जामा मस्जिद दरगाह शरीफ मस्जिदों पर ईद की विशेष नमाज पढ़ी गई, साथ ही एक दूसरे को बधाई भी दी गई। खरगोन शहर में मनाई गई ईद मस्जिद में अदा हुई विशेष नमाज, हजारों की संख्या में शामिल हुए लोग, एक दूसरे को गले मिलकर लोग दे रहे ईद की मुबारकबाद। ईद उल अजहा का पर्व आज प्रदेश भर में पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, ईदगाहों में इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की विशेष नमाज अदा की और देश में शांति और भाईचारे के लिए दुआएं की। खरगोन शहर में मनाई गई ईद मस्जिद में अदा हुई विशेष नमाज, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल, एक दूसरे को गले मिलकर लोग दे रहे ईद की मुबारकबाद। देवास में ईद के मौके पर मस्जिदों में दिखी रौनक, लोगों ने उत्साह के साथ नमाज की अदा, नमन अमन चैन और शांति की दुआएं मांगी। छिंदवाड़ा में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी, नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को लगाया गले। धार्मिक मुस्लिम जनों ने मनाया ईद का पर्व, सभी ने अपने पास के मस्जिद में नमाज किया था, हजारों की संख्या में लोगों ने गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं दी। गौतम अडानी की भूटान में एंट्री, ग्रीन हाइड्रो प्लांट के लिए हुई बड़ी डील, वहां के राजा और पीएम से की मुलाकात। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक, आज कोर ग्रुप की बैठक आयोजित, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित सभी दिग्गज नेता बैठक में होंगे शामिल। आज शाम मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल एमपी के सभी मंत्री मुख्यमंत्री को देंगे 100 दिन के एक्शन प्लान की जानकारी। केंद्रीय योजनाओं को समय सीमा पर पूरा करने और पीएम मोदी की गारंटी से जुड़े वादों को पूरा करने को लेकर बैठक में होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुले रहेंगे बाजार, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का ऐलान, सीएम मोहन ने 24 घंटे बाजार खुलने को लेकर किया ट्वीट, 24 घंटे खुलेंगे बाजार।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल आगमन पर लाडी बहनों ने लुटाया प्यार, मामा जी के आगमन पर लाडी बहनों ने गाया गीत। बलौदा बाजार में लागू रहेगी धारा 144, 10 जून को हिंसा के बाद जिले में लागू की गई थी 144 धारा, प्रशासन ने 17 जून से 20 जून तक जिले में लागू रहेगी धारा। बलौदा बाजार में बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच समिति पहुंची, अमर गुफा मौके का मुआयना कर पुजारी से ली जानकारी, साथ ही अग्निकांड पीड़ितों से भी की मुलाकात। बलौदा बाजार हिंसा में पुलिस के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी, अब तक 133 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर कसा तंज, बलौदा बाजार में बीजेपी की जांच समिति को लेकर कहा, बीजेपी का समिति बनना हास्यास्पद है, पार्टी को प्रशासन पर भरोसा नहीं। इंदौर में एक बार फिर से कांग्रेस के निशाने पर अक्षय कांति बम, कांग्रेस ने लगाया अक्षय कांति बम को बम के खिलाफ पोस्टर, अक्षय बम को बताया शिक्षा माफिया, शासन से की उच्च स्तरीय जांच की। कवर्धा में महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती का हुआ आयोजन, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर किया पलटवार, बोले बीजेपी नेता डॉक्टर सत्यनारायण जटिया की पत्नी का हुआ अंतिम संस्कार, मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खट्टिक समेत मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत अन्य नेता रहे मौजूद। भोपाल में कांग्रेस के सीनियर नेता लक्ष्मण सिंह का बड़ा बयान, कभी भी टूट सकता है इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन के दल बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। मंडला मामले में AIMIM चीफ ओवैसी ने MP सरकार पर बोला हमला, बोले जो काम पहले भीड़ करती थी वो काम अब सरकार कर रही है, कुछ मुसलमानों पर बीफ रखने का आरोप लगा कर एक घर पर बुलडोजर चला दिया, चुनाव के बाद भी मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में भीषण गर्मी का प्रकोप, तापमान 45 डिग्री के पार, 14 साल बाद एक बार फिर जून के तीसरे सप्ताह में ग्वालियर में भीषण गर्मी देखने। रायपुर में 18 जून को बीजेपी पार्षद दल का प्रदर्शन, महापौर कक्ष में ढोल नगाड़ा बजाकर करेंगे प्रदर्शन, जल संकट की समस्या, अमृत मिशन में लेट लतीफी को लेकर होगा प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल, वीडियो में गाना गाते आ रहे हैं नजर, अपने गायन कला से कार्यक्रम में बांधा समा। नवनिर्वाचित सांसद संतोष पांडे का चुनाव जीतने के बाद कवर्धा का पहला दौरा, भव्य स्वागत की तैयारी में कार्यकर्ता, सांसद संतोष पांडे जन आभार रैली में करेंगे शिरकत। भोपाल में रेलवे ने बदले कई रेलगाड़ियों के नंबर, प्रदेश की 22 ट्रेनों के बदले गए नंबर, 1 जुलाई से नए नंबर की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग का नया कारनामा, आबकारी विभाग की कार्रवाई पर उठे सवाल, आबकारी आयुक्त ने सोम ग्रुप को 3 दिन का दिया समय, आयुक्त की ओर से मोहलत दिए जाने पर उठे सवाल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किया बड़ा खुलासा, मदरसों में 9417 हिंदू बच्चों को दी जा रही इस्लाम की तालीम, प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता की भी दी जा रही। बाल आयोग ने हिंदू बच्चों को तत्काल मदरसों से बाहर निकालकर स्कूलों में प्रवेश दिलाने की मांग की। निजी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देने की योजना बना रही प्रदेश सरकार, राज्य सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की कर रही तैयारी, खोलने में 40 करोड़ की सब्सिडी देने की बन रही योजना। भीषण गर्मी के कारण बढ़ा दी गई स्कूलों की छुट्टियां, 25 जून तक खुलेंगे बच्चों के स्कूल, शिक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ स्वास्थ्य के मद्देनजर ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने का लिया फैसला। बलौद में पुलिस को मिली ठगी के मामले में बड़ी सफलता, 5 लाख की धोखाधड़ी करने वाले एक तांत्रिक समेत 2 लोग गिरफ्तार, तंत्र मंत्र के जरिए पैसे को दुगना करने का देते थे लालच।
ग्वालियर में युवक ने लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर की आत्महत्या। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज और मामले की जांच की शुरू। जांजगीर चांपा के कोसमंदा में खेत में संदिग्ध हालत में मिला गया शव। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। ग्वालियर के बैंक की बड़ी लापरवाही आई सामने, किसी बैंक में नहीं फायर एनओसी। नगर निगम के फायर ब्रिगेड विभाग ने 19 बैंकों को किया नोटिस जारी, 7 दिन के अंदर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश में आसमान से बरसी आफत गुंदरई और नरसिंहपुर में गिरी आकाशीय बिजली, एक दर्जन बकरियों की हुई मौत। एक बार फिर से इंडिगो की मनमानी आई सामने, दिल्ली लखनऊ रायपुर से जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के 18 यात्रियों को किया गया डिबोर्ड। यात्रियों का आरोप झूठा आश्वासन देकर उतारा गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के बाद एक्शन मोड में विभाग। खाद्य एवं औषधि विभाग ने नारायणपुर में 4, दुर्ग में 4, बिलासपुर में 5, सरगुजा में 3 और बस्तर संभाग में 3 मेडिकल स्टोर्स पर मारा छापा। छापे में 17 प्रकार की संदेहास्पद दवाओं के दवा और फूड सप्लीमेंट के नमूने लिए गए। छुट्टी के लिए निकला झाबुआ का भारतीय जवान लापता। त्रिपुरा स्टेट राइफल अगरतला में आर्मी मैन के पद पर था पदस्थ। 9 जून को घर के लिए निकला था जवान, परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। कोरिया जिले के चिरमिरी में आग से धधक रही कोयला खदान, कोयले में सुलग रही आग को बुझाने को लेकर ऐसी सीएल प्रबंधन नहीं दिख रहा गंभीर था। पिछले 7 दिनों से लगी है आग, आम लोग जहरीले धुएं से हुए परेशान। रायपुर में धीमी गति से आगे बढ़ रहा मानसून, रायसेन में सुबह से छाए बादल तो वहीं कई इलाकों में लू चलने की संभावना। डिंडोरी में गांव के खेत में ट्रैक्टर पर स्टंट का वीडियो आया सामने, स्टंट देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की उमड़ी भीड़, सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल। बीजेपी के 5 सदस्यीय जांच टीम पहुंचेगी बलौदाबाजार, चैतखा में हुए तोड़फोड़ का करेंगे निरीक्षण। अग्निकांड के प्रभावितों से भी मुलाकात, मंत्री दयालदास बघेल के साथ कई कार्यकर्ता होंगे शामिल। प्रदेश में सड़क निर्माण में सैकड़ों पेड़ों पर चलाया जा रहा है जेसीबी। वन विभाग ने एक माउंटेन चैन, एक जेसीबी मशीन और एक हाइवा को किया जब्त। साथ ही बिना अनुमति के रिटायर्ड फॉरेस्ट में ठेकेदार द्वारा बेशकीमती पेड़ों को काटा गया। कोरबा के सलोरा गांव में दिव्यांग युवती पर बाइसन जंगली जानवर ने किया हमला, युवती गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। विभाग ने युवती के परिजन को 500 रुपए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। पेंड्रा में पुलिस को शराब तस्करी मामले में मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर ही आरोपियों को दबोचा। डिंडोरी में 2 चोरों ने ग्रामीणों को पकड़ा, रस्सी से बांधकर गांव में निकाली जुलूस। गांव में करते थे जानवरों की चोरी, जुलूस निकालने का वीडियो वायरल, चोरों को ग्रामीणों ने किया पुलिस के हवाले। दुर्ग में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में फिसलकर पटरियों के बीच आने वाले यात्री को आरपीएफ के जवान ने बचाई जान, जान बचाने का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के एमसीबी से वन विभाग का नया कारनामा आया सामने, पट्टे के नाम पर फॉरेस्टर ने बैगा परिवार से वसूले 20,000 रुपए, आदिवासी परिवार ने फॉरेस्ट पर लगाया गंभीर आरोप। मुरैना में पुलिस ने अवैध हथियारों सहित आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी से 12 बोर की 4 बंदूकें, 4 कारतूस सहित एक कार को पुलिस ने की जब्त। एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस ने की कार्रवाई। और छिंदवाड़ा के इमलीखेड़ा चौक में ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच्चे युवक, सड़क के किनारे काम कर रहे युवक के बगल में पलटा ट्रक, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। और इसी के साथ खबर फटाफट में, फिलहाल इतना ही, देखते रहे विस्तार न्यूज़, नमस्कार।